तालिबान ने काबुल सहित कई शहरों की तेल सप्लाई रोकी है, ये इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। आतंकियों ने तेल से भरे टैंकर्स को खुलेआम सड़कों पर बहाया है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तालिबानी आतंकियों ने हजारों गैलन तेल सड़क पर बहा दिया। टीवी 9 भारत वर्ष पर ये बहुत अहम तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हजारों गैलन तेल को खुलेआम तालिबानी आतंकियों ने सड़कों पर बहा दिया। आतंकियों ने तेल से भरे टैंकर्स को पकड़ा और फिर हजारों गैलन तेल सड़कों पर बहा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या हो रहा है इस वक्त काबुल से लेकर कांधार तक, ये आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अफगान एयरफोर्स की तालिबानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई इस बीच हुई है। 24 घंटे में एयर स्ट्राइक में तालिबान के 233 आतंकी मारे गए हैं, 88 जख्मी बताए जा रहे हैं। नांगरहार, गजनी, कंधार, फरियाब, हेलमंद में बड़ा एक्शन हुआ है। एयरफोर्स की स्ट्राइक में दर्जनों गाड़ियां और हथियार नष्ट किए गए हैं। और इस बीच किस तरह से तालिबानी आतंकियों ने तेल के बड़े बड़े टैंकर्स को पकड़ा और टैंकर्स के अंदर जो तेल था उसे खुलेआम बहा दिया गया, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास। ये पहली तस्वीरें टीवी 9 भारत वर्ष पर आप देख रहे हैं। तालिबान ने किस तरह से तेल सप्लाई पर अटैक करने की कोशिश की है। तेल सप्लाई का जो कनेक्टिंग वे होता है उस पर प्रहार करने की कोशिश तालिबान की तरफ से की गई है। जी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में टैंकर्स को रोका जाता है और खुलेआम सबके सामने टैंकर में भरे हजारों गैलन तेल को बहा दिया जाता है। और स्कंद रंजन साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट। स्कंद जी, तबाही की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह से इकोनॉमी पर वार करने की कोशिश की जा रही है, कैसे बर्बादी की नई दास्तान लिखी जा रही है, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। लेकिन क्या इस बात पर ताज्जुब होता है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चली मंत्रणा के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसमें कहीं हिंसा का, सीज फायर का, युद्ध विराम का कोई जिक्र ही नहीं? समीर, मैं उज़्बेक गवर्नमेंट के इनविटेशन पर ताशकंद में था ये कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस के लिए, और 15-16 जुलाई को जो भी वहाँ हुआ, प्रेसिडेंट गनी ने जिस तरह पाकिस्तान को दोषी ठहराया पब्लिकली कि 10,000 तालिबान फाइटर्स को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाने दिया है और इमरान खान ने बड़ी वीक डिफेंस दी। मैंने देखिए वहाँ इनफॉर्मली अमेरिकन से बात की, उज़्बेक से बात की, जनरल एशियंस और सबसे बात की, सबको पूरी तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान इस समय जो एसेंडेंसी पर हैं उसमें पाकिस्तान उनके पीछे है, पाकिस्तान से पूरी उसकी सपोर्ट है और पाकिस्तान से ही उसको असला भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन सब मिल रही है। पूरा तालिबान जो जितनी लीडरशिप है वो पाकिस्तान में है, वो सब दुनिया जानती है, तो इसलिए वो मोहतरमा जो कह रही है वो ठीक है, वो पाकिस्तानी है, उनको अधिकार है जो भी कहें। पर जब प्रेसिडेंट घनी ने पब्लिकली कहा कि तालिबान जिस तरह बढ़ रहा है और बात करने के लिए तैयार नहीं है, अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने कहा अफगान नेशनल आर्मी में नए नए वॉलंटियर्स आ रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नहीं चाहता कि तालिबान वापस आए, और जो पुराना जिस तरह का तालिबान था जो हमने सब देखा जिस तरह औरतों के साथ व्यवहार था या जिसके साथ भी था, वो अफगान नहीं चाहते। और प्रेसिडेंट घनी ने पब्लिकली कहा कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया सपोर्ट करे नेगोशिएशंस को और तालिबान को नेगोशिएशंस के लिए फोर्स करे, नहीं तो अफगानिस्तान की वही हालत होगी जो इस समय यमन की है, जो इस समय सीरिया की है। और इसमें कौन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कर रहा है, आईएसआई कर रही है, उनके सब लोग छुपे हुए हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा कि दोहा में कोई स्टेटमेंट में कोई इस तरह की सीज फायर की बात नहीं हुई, तो प्रेसिडेंट गनी ने पब्लिकली कहा और भी जो हमारी मेरी बातचीत हुई कि देखिए पहले जो एग्रीमेंट हुआ था तो 5,000 जो तालिबान प्रिजनर्स थे अफगान जेलों में उनको छोड़ दिया गया और 5,000 के 5,000 तालिबान फाइटर्स हो गए वो और अफगान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। तो अब जो अफगान कह रहे हैं कि हम 7,000 और छोड़ देंगे तो वो तो सब तालिबान के फाइटर्स हैं। सही बात है। तो और तालिबान कह रहे हैं कि हम बात तभी करेंगे जब आप ये 7,000 छोड़ दें।
तो इसीलिए कोई जिक्र उसमें जो आपने दोहा में बातचीत हुई वो बिल्कुल इनकंक्लूसिव थी, क्योंकि तालिबान ने तो इसीलिए इन बातों का जिक्र नहीं है। सिकंदर रंजन साहब, बहुत बहुत अहम बात आपने कही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।